अच्छा भी जवेरिया, तुम कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी अम्मी बड़ी घरेलू टाइप है मुझे पता है, और वो इस तरह की चीजें बहुत करती रहती, तो तुम भी करती थी एक जमाने में बहुत, है ना? मेरे ख्याल आज तक जो स्किन बची हुई है ना, हाँ अच्छा, ये उसी वजह से बची है, क्योंकि पहले जमाने में जब हम लोग छोटे थे, हमारी फुफो खालाएं सब बड़ी थी, हाँ तो वो लोग यही चीजें किया करती थी, हाँ तकरीबन देसी टोटके, हाँ देसी टोटके, और मैंने अपनी फुफियों को खालाओं को देखा, अम्मी ने मेरी आज तक बताती तो बहुत थी लेकिन करती मेरी तरह वो भी कुछ नहीं थी, अच्छा वो बताती रहती थी लेकिन करती नहीं थी, तो हम लोगों ने बचपन में जो किया है ना वो अभी तक काम आ रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटी थी तो हमारी फुफियाँ जो थी वो रात को मलाई लेके बैठती थी, मलाई में लेमन डालती थी, और लेमन डालने के बाद वो थोड़ा सा वो जो गाड़ी वाली मलाई होती है वो असली मलाई जो होती है दूध की, उसके बाद वो थोड़ी सी लेके ना मिक्स करके थोड़ा सा लेके और वो फेस पे, अच्छा वो जब तक उसको वो करती रहती थी मसाज, जब तक कि उसकी वो नहीं वो गिरना लग जाता था ना, भुर भुर मतलब ड्राई हो जाए वो, ड्राई स्किन भी निकल। अच्छा तुम्हारी स्किन क्या थी, ऑयली थी कि ड्राई? कॉम्बिनेशन है। ओके, अब जैसे ये मलाई वाली चीज है ना, मैंने उसमें गर्मियों में कुछ और हो जाती है, सर्दियों में कुछ और हो जाती है मलाई। मैंने जब ये बता रही थी ना लेमन वाला, तो मैंने ये पूछा कि वेदर निदा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सीजन के साथ सब्जियां फ्रूट सब कुछ चेंज होता है, वो हमारे इंसानों के लिए इसी तरह क्रीम्स रेमेडीज जो है वो डिफरेंट ही होनी चाहिए। मैं असल में इसकी नहीं, लेकिन अगर आप लगा के छोड़ देंगे ना तो वो ऑयली स्किन के लिए सही नहीं, सही। हाँ, लेकिन आप लगाते ना जब आप उसको उसका मसाज करते रहते हैं तो वो ड्राई अच्छा, होता है। अच्छा यही जो तुम बता रही हो ना, मुझे किसी ने बताया मलाई का तो लेमन का नहीं बताया। नहीं लेमन डालते हैं, मामू की नहीं, मेरी मामू की शादी थी, मैं छोटी थी उस वक्त, और मैंने कहा हम भी करते हैं घरेलू टोटके, मैंने क्या किया खाली मलाई लगा के बैठ गए, हो गए होंगे तुमने ये एलर्जी, मोटे मोटे दाने शादी के ऊपर निकल आए, क्योंकि वो धुरी रेमेडी आपका फेस भी कलर भी जो है ना आपका, अगर किसी भी वजह, और सर्दियों में खासकर रंग मेरा काला हो जाता है, हम लोग धूप पे बैठते हैं ना, धूप लेते हैं तो उससे शी इज राइट, थोड़ा सा डल हो जाता है सर्दियों में, सर्दियों में कॉम्प्लेक्शन। अच्छा ये हो गई लेमन और मलाई वाली बात हो गई। संबल इकबाल, और सब्सक्राइब करें AAY डिजिटल का यूट्यूब चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए। Thank you.